ट्रांसिट वगैरह कम की लेते हैं या डिस्पोजल वगैरह कैसे? दोनों रखें वो मेरे जिम्मे मेरे बिल वगैरह भी है हमारे वो देखो क्या क्या चाहिए आपका स्वागत है भाई, हमारे लिए आपके चरण पड़े यहाँ। ये नगर पार्क जी अच्छा लगा हमको, बहुत बढ़िया लगा। धन्यवाद। यहाँ अचानक चला गया था बड़ा मुश्किल से मतलब वो खिचड़ी बना के 15 दिन तक खिचड़ी खिचड़ी खाते रहते, लेकिन वो ड्यूटी बंद नहीं होती। यही नहीं कि आज बारिश आ गया या आज तूफान आ गया, घड़ी रुकेगी लेकिन जवान की ड्यूटी नहीं रुकेगी। क्या बात है, 365 दिन बारिश है तो भी और तूफान है तो भी ड्यूटी पॉइंट नहीं छूटे। भी इस तरह के होते हैं जो देखकर लोग हैं, ये हमारे साथ जाता है। ये सैल्यूट कर रहे हैं आपको, आपको प्रणाम कर रहे हैं।
मत रहा जल्दी बस श्रीरामचंद्रम शरणम प्रपद्ये श्रीरामदूतम शरणम प्रपद्ये BSF के हमारे सभी जवान साथ में आए हुए हैं, सभी लोग मुझे सही में अतिशय प्रसन्नता होती है कि मैं आपको यहाँ मिल रहा हूँ। वैसे पूरे देश में राम कथा की कृपा से मेरी यात्रा और तो वैसे कोई बात नहीं, ऐसे भी सुन पाएंगे। कई जगह जवानों को मिलने का मुझे सौभाग्य मिला है। आपके कैंप में जाकर मैंने भिक्षा भी पाई है कश्मीर की एक बॉर्डर पर। तो इसे अभी मुझे साहब सब समझा रहे थे कि आपकी जिंदगी, आपका जीवन कितना कष्टपूर्ण है। मैं तो यही कहूंगा कि आप पूरे राष्ट्र के लिए, जैसे विश्व मंगल के लिए एक समय था कि कोई सिद्ध साधु संत अपने परिवार को छोड़कर कहीं जंगल में जाकर पूरे जगत के शुभ के लिए साधना करते थे, आप सब भी अपने परिवार को छोड़कर ऐसे दुर्गम स्थानों में बैठकर एक तपस्या ही कर रहे हैं। आपका ये तप राष्ट्र को विश्राम दे रहा है। आप ये तपस्या नहीं करते तो कोई चैन से सो नहीं पाता। और आज के माहौल में जब कब कहां क्या हो कुछ भी निश्चित नहीं, हम कई एंगल से आज घिरे हुए हैं, हम जानते हैं। ऐसे समय में, ऐसे दुर्गम स्थान में आपका रहना मेरी दृष्टि में साधना से कम नहीं। मैं जब एक बार पंजाब में एक दूसरी साइड में, जैसे वाघा बॉर्डर जैसी बॉर्डर है, नाम भूल गया मैं, सबको मिला, तब मैंने कहा था, मैंने यहाँ बेला में मिलने गया तो जवानों को, तो तब भी मैंने कहा था, मैं पुनः आप सबको कहना चाहता हूँ कि मेरा एक मनोरथ था, जब कारगिल की घटना घटी तब हमारे आदरणीय अडवाणी साहब पावर में थे, तो अडवाणी जी से स्वाभाविक एक स्नेह का संबंध रहता था। तो मैंने विनय किया था कि साहब, आर्मी का कोई कानून टूटता न हो, बीएसएफ का कोई कानून न टूटता हो, और ऐसा यदि हो सकता है तो आप मुझे कारगिल जाने की इजाजत दें। मुझे कहे कि आप क्या करेंगे। मैंने कहा मैं
भाला तो नहीं ले सकता लेकिन माला तो रखूं। मेरे देश के जवान, राष्ट्र के गौरव के लिए, हमारी माँ भूमि के लिए जब भाला चलाएंगे, तब एक साधु के नाते में दूर आपके कोई टेंट में बैठकर मेरी माला पर हनुमान जी को प्रार्थना करूँगा। लेकिन मैं भी समझता हूँ कि कुछ नियम होते हैं, उसका उल्लंघन हम नहीं कर सकते। अभी हमारे वर्तमान संरक्षण मंत्री, वो भी मुझे कह रहे थे कि बापू जब तक मैं हूँ डिफेंस मिनिस्टर, राजनाथ सिंह जी, अभी हम लखनऊ में मिले तो मुझे कह रहे जब तक मैं इस पोस्ट पर हूँ, ये विभाग जब तक मेरे पास, तो ये विक्रांत जो है अपन जी, जो नेवी का जहाँ से प्लेन उड़ान भरते हैं आते हैं, हमें आप 3 दिन दीजिए और हमारे जहाज पर आप ठहरिए, ऐसा उसने कहा। मुझे भी बहुत खुशी हुई। मैंने राजनाथ सिंह जी को भी कहा कि भाई कोई चर्चा का विषय न बने, फिर कोई कौन सा अर्थ निकाल, मुझे तो मेरे जवानों के साथ रहना होगा तो बहुत अच्छा लगेगा। खैर, फिर भी आपका आग्रह तो है, देखो कभी योग बना को। तो साधु और सैनिक कुछ समान काम करते हैं, आपको जो अपराध करता है उसके सामने टक्कर लेनी होती है, साधु को अपने भीतर के दुर्गुण जब अपराध करते हैं तब भीतर के दुर्गुणों से टक्कर लेनी, ये बहिर और अंतर दिशा का ही फर्क है, बाकी दोनों का काम एक है। मैं और तो क्या कह सकता हूँ कि आपने आपके परिवार को छोड़कर आपने आपके अभी साहब ने जो मुझे 0 पॉइंट की बात बताई, कैसे आप रह रहे हैं, जनसाधारण को पता ही नहीं कि क्या होता है बॉर्डर पर, ऐसे में प्रसिद्धि मुक्त, संपर्क मुक्त, सुख मुक्त, मनोरंजन मुक्त, कोई भी कनेक्शन मुक्त रहकर असंग भाव से राष्ट्र की सेवा करना, ये आपकी बहुत ही साधना है। आपकी साधना पर हम चैन से सो रहे हैं। और कुछ न कहते हुए मैं आप सबके बल के लिए, आप सबकी बुद्धि के लिए, आप सबकी विद्या के लिए और आपके परिवारजनों के लिए हनुमान जी के चरणों में बहुत प्रार्थना करता हूँ। अपनी बातें ज़्यादा करना ठीक नहीं, लेकिन साहब हमारे गांव में पुराना राम जी मंदिर तो गिरा कर हमने नया मंदिर बनाया, और हमारे यहाँ देहात के राम जी मंदिर में एक निश्चित आरती हो जाए फिर जय जयकार होता है, रामचंद्र भगवान की जय, पला की जय, पला की जय, स्वाभाविक होता है। तो वो आरती का एक लिस्ट मैंने नया बनवाया था कि हमारे मंदिर में ये आरती, ये जय जयकार का ये लिस्ट बना, उसमें जो हमारी पुरातन वेदों की जय गंगा मैया की जय, फला की जय, उसमें हमने, मुझे बहुत खुशी होती है कि पहली बार ये प्रवेश कर, अब तो कई गांवों में शुरू, उसमें हम आखिर में जय जयकार कर भारत के सैनिक होती हमारे देश के जवानों की जय, ये रोज हमारी प्रार्थना रहता है। आपने इतना आदर दिया, इतना सद्भाव व्यक्त किया, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। भगवान करे यहाँ कोई भविष्य में कभी भी कुछ घटनाएं न बने, अभी कुछ हुआ नियम में बाधा न पड़े तो मुझे बुला लेना, और कथा मैं बंद कर दूं, वादा कर रहा हूँ शायद टैप होता होगा जी, सब देता आपके साथ रहूँगा। एक बार मेरा मनोरथ था कि मुझे भावनगर में कथा थी, जैसे तो नागपुर में कथा थी, तब मैंने सरकार से रिक्वेस्ट कि मुझे जेल में 9 दिन का उतारा दीजिए, मैं अपराधियों के साथ रहना चाहता,
तो उस समय तो नागपुर में महाराष्ट्र सरकार ने हमें मंजूरी नहीं दी, लेकिन मनोरथ था तो भावनगर में कथा थी हमारे गुजरात में, तो वहाँ हमने रिक्वेस्ट किया तो मंजूर कर ली। तो मैं जेल में नौ दिन सब अपराधियों के साथ, और अखबार में हेडलाइन मुरारी बापू जेल में, फिर आगे मुझे कुछ नहीं मिला। सब सोच रहे कौन सा गुनाह किया होगा, क्या जेल में था। तो मैं जेल में रहता था, रोज पुलिसों के साथ सायंकाल में प्रार्थना करता था, और उसका जो खाना बनता था वही है खाना खाते। मेरा ये बहुत मेरे लिए आनंद की घटना है, हनुमान जी के चरणों में मेरी बहुत बहुत प्रार्थना है। आप सदा सदा संपन्न रहे, प्रसन्न रहे, और राष्ट्र के लिए प्रपन्न भी रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, न कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आप सभी को मेरा नमन सलाम। आप भी आ जाओ, मैं आपका ले लेंगे ना साथ में, ले लेंगे ले रहे ना भैया, विजिट कर रहे हैं पैदल साथ में, बेटा भेज देंगे व्हाट्सएप पे, हां भेज देंगे बेटा भाई। फोटो निकाल के आप भी बैठ जाओ, हमारा रोजाना नियम से बाबू शाम को सब इकट्ठा होते हैं, और दो मिनट का टाइम जिसको भी है सब लोग मंदिर में इकट्ठा होते हैं, और सर हर सर रविवार को हम लोग सामूहिक प्रोग्राम करते हैं, उसमें भजन प्रोग्राम करते हैं दो घंटा हर सर। एक बार प्रवीण भाई आप लोग भी आ जाएं, आप लोग कैंप प्लीज आ जाएं, हमारे साथ ही आ जाएं। प्रवीण भाई का नीचे मनीष नीचे चलेगा बाप। राज भाई बापू चली बात लो भिक्षा में।